धन्यवाद, बैठ जाइए। प्रार्थना चित्र को बनाने की चाबी है। प्रार्थना चाबी है खुशहाल घर बनाने की, और चाबी है महान पुनरुत्थान की। हर एक दिन हवा को हाँफते हुए तो मैं कोशिश करता हूँ प्रार्थना के द्वारा हाँफते हुए परमेश्वर से और सामर्थ पाऊँ, क्योंकि मिनिस्ट्री यानी चर्च की हर एक दिन की मुश्किलों का सामना करने के लिए मुझे बहुत जबरदस्त सामर्थ्य की जरूरत है, और परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ और परमेश्वर का ज्ञान और मेरी परमेश्वर में समझ, इस तरह की शांति आनंद पाने के लिए मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। बिना प्रार्थना के इस तरह की सामर्थ्य मैं नहीं पा सकता, तो मैं हर दिन निराश होता हूँ, मैं हताश व्यक्ति हूँ। अगर मैं प्रार्थना न करूँ तो इस तरह का काम नहीं कर सकता, ना अपना काम कर सकता हूँ। तब मैं अधिक चिंता और तनाव में आ जाता हूँ, तब मेरा दिल बेचैन और मैं अपना चैन खोने लगता हूँ। तब मेरे पास कोई आनंद नहीं होता कि मैं परमेश्वर का काम जारी रख सकूँ। लोग मुझसे अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आपको किस तरह का तनाव होता है। हाँ, मैं हर दिन मुझे 7 से 10 लाख लोगों को देखना पड़ता है, जो मेरा मुख्य ऑडिटोरियम व मुख्य स्थल है उसमें 12,000 लोग बैठते हैं, और हमारे पास 20 सैटेलाइट चर्च है। हर चर्च में 5,000 से 10,000 लोग हैं। हम उन्हें अलग अलग प्रचार करते हैं, पहले मुख्य स्थान से होकर सैटेलाइट से यानी ऑनलाइन एंड टीवी, और हमने निशान चर्च और 15 सैटेलाइट चर्च यानी टीवी चर्च, जिसमें हर एक में 10,000 लोग शामिल हैं, और इसमें मैंने अपनी सभा और मंडली को बांटा है, जिसे चर्च का भार दिया गया है। हम असल में अपना ज्यादातर काम टीवी से करते हैं, जिससे हम 20 सैटेलाइट चर्चों के प्रचार करते हैं, और हमने चर्च की 160 शाखाएं दक्षिण कोरिया में फैलाई हैं, और 2 चर्च जापान में हैं, और हमारे पास 3,000 प्रार्थना घर हैं। जो लोग चर्च नहीं आ सकते, हमने उनके पास 3,000 प्रार्थनाएं घर बनाए हैं, और 50 से 300 लोग सैटेलाइट के द्वारा हमारे प्रचार को सुनते हैं। हमारे पास इंटरनेट चर्च है, जो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, जो आजकल के जवान घर रहते हैं वो इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 5,000 कार पार्किंग की जगह है। हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिन लोगों को कार पार्क करने में मुश्किल होती है वे घर रुक सकते हैं और इंटरनेट के जरिए प्रार्थना सभा का आनंद ले सकते हैं। वो इंटरनेट सर्विस के बाद इंटरनेट से दान पा सकते हैं, और हम इंटरनेट से दान जमा कर लेते हैं, और मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि मैं मसीह लोगों के घर में जा सकूँ और उन्हें अलग अलग समझा सकूँ और उनके लिए प्रार्थना कर सकूँ। कुछ लोग घर से आते हैं, कुछ बिजनेसमैन, कुछ बीमार व्यक्ति मेरे पास आते हैं, वे मुझसे खास तौर पर मिलना चाहते हैं, पर मैं उनसे मिल नहीं सकता। तो मैंने एक रास्ता ढूंढा, तो मैं हर सुबह अपने ऑफिस आता हूँ, और मैं 2 घंटे इंटरनेट के आगे बिताता हूँ। वो मुझे इंटरनेट से मैसेज करते हैं और मैं इंटरनेट से उन्हें रिप्लाई करता हूँ। मैं इंटरनेट के जरिए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, और मैं उन्हें प्रचार करता हूँ, और इंटरनेट के जरिए एक अद्भुत सहभागिता बनती है। परमेश्वर ने इस पीढ़ी को एक अच्छा उपकरण दिया है। परमेश्वर ने इस पीढ़ी के को एक अच्छा उपकरण दिया है, ताकि यीशु मसीह का प्रचार बढ़ सके। तो असल में अब के दिनों में मैं किसी के घर पर नहीं गया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, पर इंटरनेट के द्वारा मैं हर घर में
मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ और मैं इंटरनेट के द्वारा बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे प्रार्थना के पहाड़ के कारण तनाव रहता है, मैं उसे प्रार्थना का कस्बा कहूँगा। मुख्य स्थल में 70,000 सीटें हैं और वहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं। 3,000 से ज़्यादा लोग वहाँ प्रार्थना व उपवास करते हैं, तो मैं उसकी व्यवस्था देखता हूँ कि सब कुछ ठीक है। और हमारे पास सामाजिक कार्य हैं, हमारे पास टेक्निकल कॉलेज है जहाँ जवान बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे बेसहारा व गलियों में रहते हैं और बाकी जिन्हें पुलिस हमें सौंप देती है, हम उन्हें नहलाते हैं, वो धर्मशाला में रखते हैं और हम उन्हें मुफ्त में टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। हम उन्हें कारों का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान और प्रोग्रामिंग, इमारतों के नक्शे बनाना और बालों को काटना, खाना बनाना और बाकी सब कुछ। जब वो ये सब ज्ञान लेकर कॉलेज में से निकलते हैं, तो वो एक समझदार व्यक्ति और अच्छे नागरिक और अच्छे मसीह बनकर निकलते हैं। ये भी मेरे लिए एक तनाव रहता है कि मैं कैसे चंदा यानी फंड इकट्ठा करूं और उन्हें खिलाऊं या उन्हें पहनाऊं और कैसे उन्हें एजुकेट करूं। और हम बहुत से वृद्धाश्रम चलाते हैं, हम उन्हें सड़कों से उठाते हैं, नहलाते हैं क्योंकि लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ जाते हैं। हम उन्हें स्वर्ग के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा हम और चंदा यानी फंड इकट्ठा करते हैं और हम एक अखबार चलाते हैं जो 5 लाख लोगों में बढ़ता है। ये आसान नहीं है अखबार चलाना हर रोज, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री और बहुत सी राजनीतिक पार्टी वह बिजनेसमैन लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारा आर्टिकल या हमारे पोस्टर अखबार में छाप दीजिए, पर हम मसीह के कामों का समझौता नहीं करते। इस बात में ये अखबार बहुत बड़ा गवाह है। हम सबसे बड़ी और सबसे अच्छी पत्रिकाएं छापते हैं और चर्च का साप्ताहिक अखबार भी, और हम हंसे विश्वविद्यालय चलाते हैं जिसका कार्यभार मेरी पत्नी संभालती है, जिसमें 3,000 बच्चे हैं, जिसमें कुछ मसीह हैं और मैं कुछ चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी पत्नी को काम करने में आसानी हो। और हमारी 400 चर्च अमेरिका में हैं, असल में मैंने 600 चर्च अमेरिका में खोली थी और 200 चर्च धोखेबाज निकली और छोड़ गई, पर 400 चर्च अमेरिका में हैं अब भी और 100 से ज़्यादा चर्च यूरोप में और 50 चर्च जापान में और बाकी चर्च जापान, हांगकांग, ताइवान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और पूरी दुनिया में। हमारे 600 से ज़्यादा मिशन हैं पूरी दुनिया में और वे लगातार मैसेज सेंड करते हैं कि काम करने के लिए पैसे भेजो। जब मैं इस तरह के मैसेज पाता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ। वे मुझे गाड़ी या पढ़ाई के लिए पैसे भेजने को कहते हैं और मेरे पास जबरदस्त तनाव रहता है। और हमारे पास कजाकिस्तान में खूबसूरत विश्वविद्यालय है, वो एक इस्लाम देश है, पर हमने एक मसीह विश्वविद्यालय बनाया। वहाँ की सरकार ने गलती से मसीही विश्वविद्यालय बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया। बहुत से इस्लाम सऊदी अरेबिया और बाकी जगह से आकर शिक्षा लेते हैं, जहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और टेक्निकल टीचिंग और बहुत सी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। जब वे कोर्स को ख़त्म करते हैं तो वे मसीह बन जाते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम संडे स्कूल का भी बहुत बड़ी मात्रा में काम करते हैं। हमने कुछ सेल बनाए हैं जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सकते हैं। ये सेल कुछ इलाकों को कवर करते हैं ताकि एक मजबूत सहभागिता बनी रहे। मैं नहीं सोचता
कि बिना सेल के मिनिस्ट्री के लोगों का ख्याल रखा जा सकता है। हम बहुत किताबें उन सेल के लीडर को देते हैं। हमारे पास चर्च के सदस्यों के लिए बहुत सी शिक्षा प्रणाली है, जैसे जवानों के लिए स्कूल और कुछ नए विवाहित लोगों के लिए और कुछ पति के लिए, कुछ पत्नी के लिए और कुछ बूढ़े लोगों के लिए स्कूल, जिसमें हम लगातार शिक्षा देते हैं। हमारे पास संस्था जिसका नाम पूरा प्रचार शिक्षा है और 200 PhD टीचर हैं जो उसे चलाते हैं। हमारे पास संस्था है जिसका नाम फुल गोस्पल बिजनेस फेलोशिप है, जिसमें हमारे पास 50,000 बिजनेसमैन हैं और उनमें से ज़्यादातर मिलियनेयर हैं, जो कि एक अद्भुत बात है। वो सब के सब परमेश्वर की सेवा करते हैं इस मिशन के द्वारा, जैसे अमेरिका मिशन, यूरोपियन मिशन, चीन मिशन, इस्लाम मिशन और अफ्रीकन मिशन, और मिशन पुलिस के लिए और स्कूल, बैंक। और हमारे पास बहुत बड़े मिशन हैं। हर बिजनेसमैन किसी न किसी मिशन से जुड़ा हुआ है। वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसे हम प्यार करते हैं। और हम अफ्रीका की मदद कर रहे हैं, जहाँ हम हजारों टनों में खाना, कपड़े, दवाइयाँ भेजते हैं, और ऐसे ही एशिया और उत्तर कोरिया में भेजते हैं। उत्तर कोरिया में करोड़ों की संख्या में लोग भूख के कारण मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल पाता। बहुत से बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। इस समय उत्तर कोरिया का तानाशाह सैन्य शक्ति पर जोर दे रहा है और अपने पैसों का इस्तेमाल मिसाइल या एटॉमिक बम बनाने में कर रहा है। उसे अपने लोगों की मृत्यु की परवाह नहीं। वहाँ कोई अधिकार नहीं कि कोई वहाँ से जा सके। सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें बच्चों और बूढ़ों को होती है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जवान लोग रात को खाना लेने जाते हैं और बूढ़े और बच्चे वहीं रुक के रहते हैं और मर जाते हैं। हम अपने NGO के द्वारा, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था द्वारा, हम बड़ी मुश्किलों से खाना, कपड़ा और दवाइयाँ भेजते हैं। हमने वहाँ $1 करोड़ की राशि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी के लिए भेजे। वहाँ के लोग कुपोषण का शिकार भी हैं। इसके अलावा हमारे पास CGI संस्था है, जिसका पूरा नाम चर्च ग्रोथ इंटरनेशनल है, जिसमें हम पूरी दुनिया, हम सेवकों को दक्षिण कोरिया में बुलाते हैं, जिसमें हर चर्च बढ़ाने के रहस्य और सिद्धांत बताते हैं, जिसमें हम परमेश्वर के दासों के साथ जबरदस्त सहभागिता को बनाते हैं। तो हम बड़े काम को करने के लिए मुझे एक खास तरह की सामर्थ्य की जरूरत है, और मुझे शांति और बुद्धि भी चाहिए, और मैं इसे कहाँ से पाऊँ? ये सब होता है मेरे घुटनों के कारण। अक्सर मैं दिन में 5 घंटे प्रार्थना हर रोज करता हूँ और परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, पर आजकल मैं सुस्त हो गया हूँ और मेरे घुटने दर्द करते हैं। इसलिए मैं घुटने टेक कर 3 घंटे प्रार्थना करता हूँ। असल में पूरे दिन हर पल प्रार्थना में रहता हूँ, लगातार परमेश्वर से सामर्थ मांगता रहता हूँ और लगातार शैतान की बाधाओं से लड़ता रहता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं इस काम को पूरा कर पाता हूँ और परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाता है कि कैसे प्रार्थना करें। और बहुत से लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि आप कैसे 5 घंटे प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं। CGI संस्था के द्वारा मैंने अमेरिकन, यूरोपियन पास्टरों को बुलाया। मैं उन्हें प्रार्थना के पहाड़ पर ले गया और मैं उन्हें प्रार्थना के कमरे में ले गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि तुम इस दरवाजे से
बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम 1 घंटे प्रार्थना नहीं कर लेते, इसलिए चलो शुरू करते हैं। तब अमेरिका व यूरोपियन पास्टर 5 से 10 मिनट प्रार्थना करने के बाद इधर उधर देखकर कहने लगे, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करने का तरीका नहीं सीखा। प्रार्थना में आपको एक तरीका चाहिए। जब आप बुद्धा के मंदिर में जाते हैं, जो आपको तरीका सिखाते हैं, क्योंकि वे इस तरीके को जानते हैं। इसी तरह प्रार्थना करने का भी तरीका है। परमेश्वर ने मुझे बहुत से तरीके विकसित करने के लिए मदद की। मैं उसे प्रेयर जॉगिंग कोर्स कहता हूँ। 1 घंटा प्रेयर जॉगिंग कोर्स, 2 से 3 घंटे प्रेयर जॉगिंग कोर्स और मैराथन प्रेयर जॉगिंग कोर्स। आप सारे समय प्रार्थना कर सकते हो, जिसमें बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें दिन में होने वाली चीज़ें। पहली, पीतल की वेदी। सबसे ज़रूरी प्रार्थना जो परमेश्वर ने मुझे बताई वो उपासना स्थल प्रार्थना है, जिसे टैबरनेकल प्रे कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि मैं सामर्थ्य को लेकर अपने काम सही ढंग से कर सकूं। एक दिन जब मैं ताइवान में भाषण दे रहा था, तभी परमेश्वर ने कुछ सेकंड में मुझे आत्मा में प्रकाश दिया, जिसका नाम उपासना स्थल प्रार्थना थी। 1 दशक के बाद दूसरे दशक जब मैं ये उपासना स्थल प्रार्थना करता गया, मैंने बहुत सामर्थ्य ग्रहण किया, ताकि मैं हर दिन का बोझ उठा सकूं। इसलिए ये बहुत प्रभावपूर्ण और ज़रूरी है। इसलिए इस शाम मैं आपको उपासना स्थल प्रार्थना सिखाऊंगा। जब इजरायली मूसा के द्वारा जंगलों में से होकर आ रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा को उपासना स्थल बनाने को कहा, जो कि सियोन पहाड़ पर है। जब उसने उपासना स्थल बना दिया, तब परमेश्वर ने सारे इसराइलियों को वहां इकट्ठा होकर प्रार्थना करने को कहा, तो परमेश्वर उस उपासना स्थल में विराजने लगा और लोगों से मिलने लगा। तब वे वहां प्रार्थना करने लगे, पर आप कोई उपासना स्थल नहीं देखते या मंदिर, पर परमेश्वर का आत्मा कहता है, तेरा दिल मेरा मंदिर है या जगह जहां मैं रह सकूं। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। अब हमें जंगल में जाकर उपासना स्थल यानी मंदिर को ढूंढने की जरूरत नहीं, अब हमें यरूशलेम जाकर सुलेमान के मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं। आप मंदिर हैं। जो परमेश्वर उपास स्थल व सुलेमान के मंदिर में विराजता था, अब वो आप में विराजता है। वो परमेश्वर का आत्मा है, जो आपकी आत्मा से होकर आपके शरीर में कार्य करेगा और उसकी महिमा प्रमाणित करेगा, जैसा केवल परमेश्वर के पुजारी यानी याजक जाकर ही सेवा कर सकते थे, पर आज आप उसके याजक और महायाजक हैं। हर कोई याजक है। अब हमें किसी की सहायता से परमेश्वर की उपासना करने की जरूरत नहीं। अब हम सीधे ही अपने शरीर से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इसलिए मैं सुबह की प्रार्थना में कल्पना करता हूँ कि मैं परमेश्वर के आंगन में हूँ। जैसे ही मैं परमेश्वर के मंदिर के आंगन की तरफ मुड़ता हूँ, तो मैं पीतल की वेदी पाता हूँ। उस समय इजराइल लोग वेदी पर पाप बलि और अन्य वेदी चढ़ाते थे। ये सब दान यीशु मसीह को प्रमाणित करते हैं, जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए मैं अपनी कल्पना में पीतल की वेदी के पास आता हूँ और मैं यीशु मसीह को देखता हूँ और मैं क्रूस पर से वो कृपा आते देखता हूँ। मैं कहता हूँ, प्यारे यीशु, आपके खून बहाने के द्वारा मेरे पाप माफ़ हो चुके हैं और मैं धर्मी घोषित किया जा चुका हूँ
और मैं अब परमेश्वर की महिमा का आनंद ले सकूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम परमेश्वर की महिमा का आनंद लेते हैं, और महिमा हम में है। जब हम पाप करते हैं तो महिमा छोड़कर चली जाती है। तब हम अपने शरीर में भयानक दर्द महसूस करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ फिर से सहभागिता कर लेते हैं, तब हम दोबारा वो महिमा महसूस करते हैं और वो हम में विराजती है। और मैं कहता हूँ, ओ यीशु, आपके खून बहाने के द्वारा हमारे पाप माफ़ होते हैं, ताकि मैं इस महिमा का आनंद ले सकूँ। धन्यवाद प्यारे यीशु। तब फिर मैं कहता हूँ, प्यारे यीशु, आपके खून के द्वारा आपने दुनिया और शैतान पर जय पाई, और आपके खून के द्वारा मैं पवित्र होता हूँ, मैं पवित्रता ही खुश करता हूँ। आपके खून के द्वारा मैं पवित्र आत्मा घोषित करता हूँ। प्यारे यीशु, आपने खून के द्वारा मुझे पवित्रता ही दी और मुझे पवित्र आत्मा दी। तब मैं फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े देखता हूँ। तब मैं कहता हूँ, प्यारे यीशु, आपने मेरी बीमारियों को और दुर्बलता को ले लिया। बाइबल कहती है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, इसलिए मैं चंगा होता हूँ। 2000 साल पहले कानूनी तौर पर कह दिया जा चुका था कि मैं चंगा हो चुका हूँ। आपके बलिदान के द्वारा बीमारी गैर कानूनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही इसके लिए मूल्य दे दिया, इसलिए मैं चंगाई घोषित करता हूँ। आप जानते हैं, बहुत से लोग बीमारी के लिए तब प्रार्थना करते हैं जब वे बीमार होते हैं। अगर आप बीमार होने से पहले प्रार्थना करें तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ, हे यीशु, मैं चंगाई घोषित करता हूँ। तब स्वर्गीय चंगाई मुझ में से होकर गुजरती है, तो मैं बीमार नहीं होऊंगा। तब मैं फिर क्रूस की ओर देखता हूँ, तो मैं श्रापों से मुक्ति को देखता हूँ। कुलिसियों 3:13 में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें अपराधों से, पापों से माफ़ किया, ताकि अब्राहम की आशीष हम पर आ सकें। तो मैं कहता हूँ, परमेश्वर, मैं आश्रित व्यक्ति हूँ। यीशु ने मेरे पापों को 2000 साल पहले उठा लिया, इसलिए मैं पाप के कानून में से नहीं गुजरता। मैं यीशु मसीह की आशाओं के अंदर हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आश हूँ। मेरी सेवकाई आशीत है, ब्लेस है, मेरे काम ब्लेस हैं, और मैं कारण हूँ दूसरे लोगों की ब्लेस होने का, और मैं आनंदित होता हूँ। और मैं दिमाग से हर गरीबी के ख्याल हटा लेता हूँ। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में असफल हैं क्योंकि उनके विवेक में गरीबी है, वे उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जब मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ, तो मैं उन्हें हटा देता हूँ और कहता हूँ, मैं पाप से मुक्त हूँ, मैं गरीबी से मुक्त हूँ। क्योंकि बाइबल कहती है, कुरिन्थियों 2:8-9 में, यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हुआ ताकि हम अमीर हों, वो आप के लिए गरीब हुआ ताकि आप अमीर हों। आप गरीबी से मुक्त हों। मुझे मत धिक्कारना कि ये कहते हुए कि तुम बहाली और समृद्धि का प्रचार कर रहे हो, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे गरीबी व श्रापों से मुक्त कर दिया। जब आपका दिमाग श्राप के बादलों से भरा होगा और गरीबी से, तब आप गरीबी व श्रापों से लद जाएंगे।
पास्टर फ्रैंक ने मुझसे पूछा कि मैं कैसे मिलियनेयर यानी अमीर बनूं, पर मैं कोरिया के लोगों से कहता हूं, अपना विवेक श्राप व गरीबी से मुक्त रखो। मैं उन्हें प्रचार करता हूं और उनके दिमाग को साफ करता हूं और बताता हूं यीशु मसीह ने उन्हें हर चीज़ों से मुक्त कर दिया। ये सच्चाई है। जब आप कोरिया में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, वे बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और बहुत ज़बरदस्त कामयाब हैं। वे परमेश्वर के काम में करोड़ों अरबों रुपए देते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर उन्हें आश करता है। मैं केवल सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, ये अडंबर नहीं है, क्योंकि मैंने इसे 45 साल की सेवकाई में इसे महसूस किया है। तो मैं कहता हूँ, ओ परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के द्वारा श्रापों और गरीबी से मुक्त हुआ, मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूरता से और पूरी तरह आशीषित हूँ। इसलिए मैं इसे दूसरों को बांटना चाहता हूँ और मैं इस तरीके से यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। तो मैं एक बार फिर यीशु मसीह की ओर देखता हूँ और कहता हूँ, आपके खून के द्वारा मैं मृत्यु व नरक से मुक्त हुआ। मैं आपके साथ मरा और पाप आपके साथ जी उठा। आपके जी उठने के साथ मैं जी उठा। आपके द्वारा मैं परमेश्वर के दाहिने ओर रहता हूँ। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। अभी तो मैं शरीर में तो मैं कोरिया में हूँ, पर आत्मा में आपके पास उठा लिया जा चुका हूँ और मैं आपकी दाहिनी ओर हूँ। अब ही इसी वक्त मैं कहता हूँ, जब भी मैं ये शरीर छोड़कर जाऊँगा, मैं परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा होऊंगा यीशु मसीह के द्वारा। ओ मैं यीशु मसीह की आराधना करता हूँ और उसके क्रूस को देखता हूँ, हमारी पीतल की वेदी, और मैं मुक्ति की कृपा मुझ में बहते देखता हूँ। वो मुझे धर्मी, पवित्र, चंगा, आशीष, जी उठा बनाती है। इस तरह की प्रार्थना को बार बार दोहराते हुए मैं अपने दिमाग को नया करता हूँ, जबकि मैं एक बूढ़े व्यक्ति की तरह जी रहा था। आदम का बच्चा होने के नाते मेरा दिमाग शराब से भरा हुआ था। मैं पाप के विवेक में जी रहा था और विवेक में और पवित्र विवेक में, बीमारी के विवेक में, हार के विवेक में, मृत्यु के विवेक में जी रहा था, मानो सब चीज़ें मिक्स हो गई हों। मेरा दिमाग पाप और शैतान के कारण उजड़ गया था, पर यीशु के द्वारा मैं एक नया व्यक्ति हूँ, क्योंकि जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। सब पाप बीत गए, अब सब चीज़ें नई हैं। मैं अपने दिमाग को नया करता हूँ आराधना के द्वारा, घुटने टेकने के द्वारा, क्रूस को देखने के द्वारा। तब इस प्रार्थना के द्वारा मैं अपने विश्वास को मजबूत करता हूँ। मैं बहुत ताकतवर हो जाता हूँ। मैं धर्मी, पवित्र बनता हूँ। मेरे पास धरती की कोई गंदी चीज़ नहीं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूँ। मैं बीमारी के नियंत्रण में नहीं हूँ, मैं आशीष व्यक्ति हूँ और परमेश्वर बहुतायत से मेरी ज़िंदगी में आशीष दे रहा है। और मैं विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में जी उठता हूँ और परमेश्वर की कृपा मेरी है। इस आराधना के दौरान मैं अपने विश्वास को मजबूत व अपने दर्शन को स्पष्ट या साफ रखता हूँ। बहुत से लोगों का दर्शन साफ नहीं है, पर यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा मैं अपने दर्शन को साफ देखता हूँ। मैं अपने दर्शन में साफ साफ अपने आप को एक नया व्यक्ति देखता हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरी नई पहचान है। बहुत से लोगों की यीशु मसीह में पहचान है। जब उनसे पूछो कि तुम यीशु मसीह में क्या हो, वो कहते हैं, मुझे नहीं पता।
मेरा पास्टर जानता है, अगर सब यीशु मसीह को पहचान को समझ जाएं तो वो यीशु मसीह के लिए अच्छा उपकरण बन सकते हैं, क्योंकि हम यीशु के खून के द्वारा पाप से बदलकर धर्मी बन चुके हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा दुनिया व शैतान से बदल दिए जा चुके हैं। हम बीमारी से चंगाई में बदल दिए जा चुके हैं। हम गरीबी से अब्राहम की आशाओं में बदल दिए जा चुके हैं। इसलिए हमारे दिमाग में हर पल एक साफ पहचान होनी चाहिए। जब भी आप सोचें कि पाप हमारी पहचान में आए, तब आपको उसे डांटना व बाहर निकालना चाहिए। बहुत से लोग दुविधा में होते हैं। जो कुछ उनके दिमाग में आता है वे उसे ग्रहण कर लेते हैं। जब आप इससे मुक्त होने की कोशिश करें तो आपको इसे अपनी नई पहचान की तुलना करनी है। अगर इसकी नई पहचान के साथ तुलना न हो तो आपको कहना चाहिए, शैतान अपना सामान उठा और चला जा। हर समय शैतान के सामान पर साइन न करें। शैतान जब वो अपना सामान लाता है तो लोग उस पर साइन कर देते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और कहते हैं, शैतान शुक्रिया, अलविदा। इसलिए हर दिन मैं अपना दिमाग नया करता हूँ। हर दिन मैं अपने विश्वास को मजबूत करता हूँ और अपने दर्शन को साफ करता हूँ और अपनी नई पहचान में खड़ा रहता हूँ। जब मैं पीतल की वेदी के सामने घुटने टेकता हूँ यीशु मसीह के आगे, जब मैं उसके बलिदान व खून को देखता हूँ और परमेश्वर यीशु में आपकी आराधना करता हूँ, आप इसमें 30 मिनट व आधा घंटा ले सकते हैं। बस घुटने टेक कर ध्यान लगाना है। ये आपको पूरी तरह बदल देगा। जब मैं इस तरह की प्रार्थना को ख़त्म कर देता हूँ तब मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे कूदना व नाचना चाहिए। जापानी लोग बहुत समझदार व शांत होते हैं। वे पूरी तरह नकल करते हैं। जापान की चर्च में आराधना बहुत चुपचाप करते हैं। जब मैं दशक पहले जापान गया, सभी सेवक व मसीही बहुत खुश थे और वे नाच व कूद रहे थे। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने ये कहाँ से सीखा? उन्होंने कहा, देखकर बदल गए। वे बहुत खुशहाल मसीह बन गए। सभी जगह नाचते कूदते और ताली बजाते। इसलिए मैंने आराधना वहाँ से इस आराधना करने के तरीके को अपना लिया। इसलिए मैं नाचता और चिल्लाता हूँ और मैं अपने आप को खुला छोड़ देता हूँ और खुले रूप से परमेश्वर की आराधना करता हूँ। क्या ये अद्भुत नहीं? इसलिए भाइयों और बहनों, आओ पवित्र आत्मा के मंदिर में आते हैं। आपका शरीर कल्पना के द्वारा आंगन में आए और पीतल की वेदी के सामने आराधना करते हैं। हाँ, पार्ट 2, सफाई, जिसमें याजक और महायाजक अपने मुंह हाथ पैर धोते हैं। पवित्र स्थल में प्रवेश करने से पहले सफाई या बर्तन गिलास से बना होता था। ये केवल कांच नहीं पर पीतल भी होता था। वे इसे रगड़ते और चमकाते थे। मूसा लोगों को इकट्ठा करता था, उन्हें साफ होने के लिए कहता था। याजक के लिए पवित्र स्थान में जाने से पहले वे अपने आप को जांचते थे। वे बालों को साफ करते, दाढ़ी को ठीक करते और मुंह धोते और हाथ धोते। तो जब मैं सफाई यानी पवित्रताई पर आऊं, मैं अपने आप को इससे परिवर्तित करता हूँ, यानी जांचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत तो नहीं। इसलिए मैं पवित्रताई के लिए 10 आज्ञाओं की कल्पना करता हूँ, जो कि मेरी शुद्धि है। इसलिए मैं 10 आज्ञाओं को एक एक करके बोलता हूँ। किसी दूसरे परमेश्वर की उपासना न करना। क्या मुझे दूसरे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए? मसीह बनने से पहले मैं बौद्ध धर्म में जन्मा और बड़ा हुआ। मैंने मसीह के बारे में कुछ नहीं सुना था। हमारे कस्बे में भी कोई चर्च नहीं था, बस बुद्धा के मंदिर थे। इसलिए मैं
बौद्ध धर्म में जन्मा और बड़ा हुआ। मुझे केवल बौद्ध धर्म की बातें वो उसकी बातों का उच्चारण करना सिखाया गया। दिन ब दिन मैं और मेरे पिता घुटने टेकते और बुद्धा से प्रार्थना करते थे, बौद्ध मंत्रों का उच्चारण करते थे, और मेरे पिता बुद्ध के भक्त थे। मैं केवल नाम मात्र था। मैं अपने पिता के पीछे भूत की तरह बोलता था। ये भयानक है और पता भी। जब मैं 17 साल का था तो मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया और मैं उसे ग्रसित हो गया, जिससे बुखार, बलगम, जुखाम, सांस फूलती और जिससे गुर्दे खराब हो जाते थे, और मैं कुपोषण का शिकार भी था। ये सब हुआ जब कोरिया में लड़ाई हो रही थी, जब हमारा समाज व क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया था। हम हेटर माहो में रहते थे। मैं थकान व कुपोषण का शिकार भी था। जब डॉक्टरों ने मुझे कहा कि मैं 3 या 6 महीने जीऊंगा, तब मैं हार गया और घर चला गया। हमारे पास कोई पैसे नहीं थे उपचार करवाने के लिए और हॉस्पिटल जाने के लिए। मैं घर पर अकेला पड़ रहता था और पड़े हुए छत के धब्बे गिना करता था, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। मेरे मुंह से खून निकलता था और बुखार तेज रहता था, और मैं बुद्धा से प्रार्थना करता रहता था, आओ बुद्धा आओ, मुझे मदद चाहिए। मैं 10 साल एक वफादार बौद्ध भक्त रहा, तो आप मुझे ठीक क्यों नहीं करते और छूते? मैं भीख मांगता व विनती करता था, पर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मैं हैरान हो गया कि बुद्धा छुट्टियों पर चला गया है। कुछ नहीं हुआ कि उसने नौकरी छोड़ दी, इसलिए मैंने बुद्धा को छोड़ दिया। मैंने कहा, बुद्धा मैं नहीं जानता तुम कहाँ हो। फिर मैंने कहा, परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर, क्या आप बुद्धा की जगह आ सकते हैं? एक हफ्ते बाद एक स्कूल की लड़की जो मसीह थी मुझसे मिलने के लिए आई। स्कूल जाते समय और स्कूल से आते समय वो मुझे यीशु मसीह के बारे में बताती। पहले मैं बहुत विद्रोही था। उसने दिन ब दिन आना जारी रखा। वो मेरे लिए रोती थी। आखिरकार मैंने सबकी उसके लड़की की बात मान ली कि मैं बाइबल पढ़ूंगा। इससे पहले न मैंने कोई प्रचार सुना, न मैं कभी चर्च गया, पर ये लड़की गवाह बनी। उसने मेरे पास बाइबल छोड़ दी और वो फिर कभी मुझे दिखाई न पड़ी। फिर मैंने मती, मरकुस, लूका से पढ़ना शुरू किया। ये पन्नों से तो बुद्धा की पुस्तक जैसी दिखाई नहीं पड़ती थी, पर बाइबल बहुत अलग थी। बाइबल सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बोल रही थी, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, यीशु मसीह, जिसने पापों को माफ़ किया, जिसने शैतान यानी दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिसने बीमारों को चंगा किया, जिसने भूखों को खिलाया, जिसने मुर्दों को जिलाया। वो असाधारण काम थे जो यीशु ने किए। बोध एक तथ्यात्मक और गहरी अवधारणा है। जब मैं बाइबल पढ़ी वो बहुत असली लगी। मुझे एक असली और एक कर दिखाने वाले परमेश्वर की जरूरत थी, जो काम कर सके, न कि एक अवधारणा वाले परमेश्वर की, क्योंकि मैं ट्यूबरक्लोसिस से मर रहा था। एक दिन मैंने अपने आप घुटने टेके और मैं नहीं जानता था कि प्रार्थना कैसे करें। मैंने कहा, श्रीमान यीशु, अगर आप सचमुच परमेश्वर के बेटे हैं तो मुझे साबित क्यों नहीं करते? मैं जवान व 17 साल का हूँ, बहुत जवान हूँ मरने के लिए। आपको मुझसे बहुत फ़ायदा होगा अगर आप मुझे ठीक कर देंगे, इसलिए मैं परमेश्वर के साथ सौदा करने की कोशिश करने लगा। अगर तू मुझे छुएगा और चंगा करेगा तो मैं तेरा दास बन जाऊंगा और मैं हर उस जगह पर जाऊंगा जहां तू मुझे प्रचार करने भेजेगा। तब
मैंने एक अजीब सी शांति महसूस की। ओ, एक बयान से बाहर शांति मेरे अंदर बहने लगी और मैं खड़ा हो गया और मैं चिल्लाया, पर मैं हालेलुया नहीं जानता था। मैं एक मसीह संगीत भी नहीं जानता था, इसलिए मैंने पुकारना जारी रखा कि कुछ हुआ है। ओ परमेश्वर, मैं सारी जगह ये कहता हुआ कूद रहा था। बाद में जब मैं अमेरिका आया तब वो मेरे गाना गा रहे थे जो मैंने गाया था, कि कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है जिसे मैं जानता हूँ, जिसने मुझे छुआ और बचाया। बहुत अद्भुत गीत, पर मैं मन में कह रहा था कि ये तो मैंने लिखी है उस समय, और मैं खुद रहा था और मैं कूद रहा था और कह रहा था कि कुछ तो मेरी ज़िंदगी में हुआ है। तो परमेश्वर ने असाधारण ढंग से मेरी ज़िंदगी में प्रवेश किया, मुझे दूसरे परमेश्वर से आज़ाद किया जो बोध गुरु, और मुझे परमेश्वर से मिलाया। तब मैं बाइबल कॉलेज गया और उसे पास किया। ये 1958 की बात है। मुझे 45 साल सेवकाई में हो चुके हैं और कभी मुझे ये अफसोस नहीं हुआ कि मैं मसीह बन गया हूँ। यीशु मसीह स्रोत है आनंद का, शांति का, जय का और हर चीज़ों का। और वो बीमारी सदा के लिए चली गई, उसने मुझे चंगा कर दिया पूरी तरह से। जब मैं शुद्धि के आगे प्रार्थना करता हूँ तो कहता हूँ, प्यारे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, न कि और किसी की। मेरा एक ही परमेश्वर है, वो स्वर्ग का परमेश्वर, केवल यीशु मसीह। और दूसरी लाइन, कभी किसी मूर्ति के आगे सिर न झुकाना, क्योंकि हम किसी मूर्ति के आगे जो लोहे या पत्थर सोने से बनी होती है सिर नहीं झुकाते, पर कई बार हम पैसे और मूर्ति के आगे सिर झुकाते हैं। बहुत आसान है जाल में फंस जाना। मैं हमेशा कहता हूँ, ओ प्यारे परमेश्वर, अगर मैं अपनी पत्नी को तुझसे ज़्यादा चाहता हूँ, अगर मैं अपने तीनों बच्चों के नाम को या नाम व शोहरत को आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं इन चीज़ों को जो मूर्ति के समान हैं उन्हें हटा सकूँ। हर सुबह मैं अपने मन में खोजता हूँ, अगर मेरे मन में कोई व्यभिचार है या कुछ भी है, मैं उसे मान लेता हूँ। फिर परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हाँ जरूर, अक्सर हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ले लेते हैं। बड़े अच्छे से हम मजाक में परमेश्वर का नाम ले लेते हैं, पर यह बहुत बुरी बात है। अगर मैं ये करता रहूं तो मैं परमेश्वर के आगे घुटने टेकता हूँ, और मैं अपने मन तो मैं उन सब पापों को मान लेता हूँ। और बाइबल कहती है, अपने आप को पवित्र रखो। हम अक्सर कह देते हैं कि हम शनिवार को नहीं पवित्र रहेंगे, पर जूठने वाला दिन पवित्र रहेंगे। कई बार हम कहते हैं रविवार को, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का दिन है। मैं अक्सर कहता हूँ, क्या तुम रविवार को पवित्र रहते हो? आ रविवार को हमारे पास 7 सभाएं होती हैं, पर मैं रविवार को पूरी तरह पवित्र नहीं रह पाता। पर मैं सचमुच अपने लोगों को सिखाता हूँ, परमेश्वर का दिन पवित्र रखो। हमारी चर्च में मैं बहुत मजबूती से सिखाता हूँ कि दशवांश दो और परमेश्वर को पवित्र रखो, मतलब रविवार के दिन पवित्र रहो, क्योंकि परमेश्वर तुझ हम में है। उससे पहले कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, हमारे लोग असाधारण ढंग से दशवांश देते हैं। ओ परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे खोलता है। जब आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी और काम में दखल दे, तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। रविवार को पवित्र रहें और दशवांश दें, या रविवार को पवित्र दिन माने
और दशमांश देते रहें। फिर बाइबल कहती है, मैं बाइबल के अनुसार बाइबल को पढ़ता हूँ तो बाइबल में लिखा है, माँ बाप का आदर करो। मेरे पिता 91 साल के हैं और मेरी माँ 90 साल की, वो बहुत बूढ़े हैं। मैं अपने मन से हर एक दिन ये प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि तुम सचमुच अपने माता पिता से प्यार व आदर करते हो? क्योंकि मैं हर दिन व्यस्त रहता हूँ सफ़र करने में, परमेश्वर कामों के लिए दूर दूर के देशों में जाकर सुसमाचार सुनाना, इसलिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता अपने माँ बाप के साथ समय बिताने के लिए। ये मेरे मन की बात है कि मैं इस बात के लिए दुखी रहता हूँ और मैं अक्सर उन्हें फ़ोन करता हूँ ताकि वो छोड़े हुए व अकेले महसूस न करें। मैंने उन्हें कार दी और एक ड्राइवर दिया और मैं उन्हें उनकी हर दिन की जरूरत का सामान देता हूँ और खर्चने के लिए काफ़ी पैसा भी। हमेशा मैं अपना बेहतर देने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपने माँ बाप का आदर कर सकूँ, क्योंकि बाइबल मुझे कहती है, जब से मैंने ये किया है तब से मेरे तीनों बच्चों व मेरी पत्नी मेरा बहुत आदर करती हैं। मेरे बच्चे मेरी और मेरी पत्नी की ज़िंदगी को देखते हैं तो वो इस तरह मेरी नकल करते हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। मैं अमेरिका के रहन सहन व रिवाजों को नहीं जानता पर कोरिया के जानता हूँ। हम अपने माँ बाप के बहुत पास रहते हैं और उनका आदर करते हैं और बुढ़ापे में बच्चे उनका सहारा बनते हैं। ये हमारा रहन सहन व व्यवहार है। अगर तुम माँ बाप को छोड़ देते हो तो आप उसे समाज तो आपको समाज बहिष्कृत कर देगा, यानी निकाल दिए जाओगे आप। ये रहन सहन बदलता जा रहा है, इसका कारण अमेरिका टेलीविजन है। हर कोई अमेरिकी लोगों की तरह रहना चाहता है, पर अब भी मैं अपने लोगों को सिखाता हूँ कि सबसे ज़्यादा माँ बाप का आदर करो, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगली लाइन, किसी की हत्या ना करना। हम हत्यारे नहीं हैं पर हम अपने पड़ोसी की हत्या करते हैं जलन से। पर मैं आपको बताता हूँ, जब आप नफरत व जलन रखते हो तो आप अपने दिमाग भरते और सिखाते हो। जब ये आपके दिमाग में भर जाते हैं, सबसे पहले ये आपको तकलीफ देते हैं, इससे पहले कि आप किसी को तकलीफ दें। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए मैं किसी से नफरत नहीं करता। अगर मैं कभी किसी से नफरत करने की कोशिश करूँ तो नफरत मेरे दिमाग में भर जाएगी और मेरी खुद की ज़िंदगी को बिगाड़ देगी। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं नफरत नहीं कर सकता, मैं माफ़ करता हूँ, मैं हमेशा माफ़ करता हूँ। मैं नफ़रत से अपने पड़ोसी के को मारने की कोशिश नहीं करता। जब भी मैं शुद्धि के लिए जाता हूँ तो अक्सर ये कहता हूँ। अगली लाइन, व्यभिचार न करना। हमें बाहरी रूप से व्यभिचार नहीं करना चाहिए और आत्मिक अंदर से भी। अब मुझे ये इस उम्र में आकर्षित नहीं करता जितना मुझे जवानी में करता था। तब मेरा खून गर्म था और हर चीज़ मुझे आकर्षित करती थी। वह बहुत खतरनाक था। ये चमत्कार है कि मैं इससे इतनी दूर निकल आया। हर दिन हमें अंगीकार करना चाहिए, जो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं, लोग कहते हैं ये पाप नहीं है, ये बस कल्पनाएं हैं, पर शैतान हमारी कल्पना में बीज डालता है। वो बीज आखिरकार फल पैदा करता है। इसलिए जवानी के दिनों में हर दिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ ताकि मेरे दिमाग में से वे कल्पनाएं निकल जाएं और मैं अपने दिल को साफ करता हूँ और अपने आप को पवित्र बनाता हूँ। पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाता है। जब तुम खास तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करते हो तो आप व्यभिचार नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो पवित्र आत्मा आप में विराजता है और परमेश्वर आप में रहता है। कैसे आप परमेश्वर के साथ रहते हो, व्यभिचार नहीं कर सकते, कभी नहीं।
परमेश्वर का डर मसीह जिंदगी में बहुत जरूरी है। बहुत से लोग परमेश्वर का डर नहीं मानते, वे परमेश्वर से प्यार करते हैं, वे परमेश्वर को के प्यार का आनंद लेते हैं, वे अब भी नहीं जानते परमेश्वर का भय जरूरी है। परमेश्वर का डर होना चाहिए, तब हम पाप करने से पहले 2-3 बार सोचते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, मुझे अपना डर दे ताकि मैं तेरे आगे आराम से चल सकूँ। बाइबल कहती है, चोरी ना करना। आह, मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ, आप खुले रूप से चोरी नहीं कर सकते, पर आप चोरी कर सकते हैं। अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से इजाज़त न लेकर हम आसानी से किताब भी चोरी कर लेते हैं। हम किताबें उधार ले लेते हैं और अपने कमरे में रखते हैं, फिर हम उसे कभी वापस नहीं करते। एक आमतौर पर पाया जाने वाला कारण है। बहुत से मेरे दोस्त जिन्होंने मुझसे किताबें उधार ली, और कुछ ही होंगे जिन्होंने मुझे वापस किया, जब मैं उनके घर में जाता हूँ तो मैं अपनी किताबें उनके कमरे में रखी देखता हूँ। ये भी एक तरह की चोरी है, पर हर चीज़ों से ज़्यादा कि ये हमें परमेश्वर से चोरी नहीं करनी चाहिए। हमें समय व दशमांश नहीं चुराना चाहिए। हमें बहुत सावधान होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इसे मान लेना चाहिए। अगली लाइन में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम बहुत आसानी से झूठ की गवाही दे देते हैं। ये बहुत खराब पाप है। मैं अपनी ज़िंदगी में देख चुका हूँ, जब मैं सेवकों से मिला करता था तो मैं कहता था, क्या आपने उस व्यक्ति के बारे में सुना है? क्या आपने उस परिवार की कहानी सुनी है? ऐसा ही कुछ, तो मुझे बुरा महसूस होता था। तो मैं हर दिन प्रार्थना करता था, ओ परमेश्वर, मेरी मदद करें ताकि मैं झूठी गवाही न दे सकूँ। अगली लाइन, अपने पड़ोसी का लालच न करना। जब मैं जवान था तो मैंने लालच किया, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी बेकार से चर्च में रहते थे और साधारण खाना खाते थे। पर हमारे पड़ोसी के पास एक अच्छी कार, अच्छे कपड़े और बहुतायश की ज़िंदगी थी। तब मेरे मन में लालच आता था, पर अब मैं लालच नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब नहीं हो सकता। ये मेरी दिक्कत है। मैं अपने दिमाग में ऐसा कोई जगह नहीं पाता जहाँ गरीबी हो, पर हर समय मैं अपने दिमाग में बहुतायत देखता हूँ। उदाहरण के लिए, भाइयों और बहनों, मान लो कि मैं एक मसीह भाई बहनों के घर जाता हूँ। वो मुझसे कि एक दिन हमारे पास हमारे घर रह लीजिए, तो सोचिए 7 से 10 लाख लोग के बारे में। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय ऐसे ही लोगों के घर बिताया है। वे मुझे अच्छी से अच्छी सुविधाएं देते हैं, तो मेरे पास कोई कारण नहीं गरीब रहने का। जब मैं जवान था तो मैंने बहुत गरीबी देखी, पर अब परमेश्वर की आश के द्वारा हम गरीब नहीं रह सकते। मैं हमेशा परमेश्वर से कहता हूँ, धन्यवाद। आज से 50 साल, जब मैं थर्ड क्लास टिकट में ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मैं बिल्कुल खाली था, मैं बेघर था। पर 50 साल बाद अब मुझे देखो, मैं बहुत आश्रित हूँ। मेरे पास एक सुंदर पत्नी है, तो मुझसे होनहार व योग्य है, और सुंदर 3 लड़के हैं, और अच्छा घर, कार, पैसे, चर्च और सब कुछ। और ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर से मिलती हैं। परमेश्वर ने मुझे आश किया, मैंने अपने आप कुछ नहीं किया। परमेश्वर बहुत अच्छा है और बहुतायत का परमेश्वर है। ये मेरा तजुर्बा है। परमेश्वर के पास आपसे ज़्यादा इच्छा है आपको आश करने की। इसलिए हमें अपने पड़ोसियों का लालच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुतायत से है। अगर आप परमेश्वर को समय व दशमांश देते हैं, तो आप अपने दिमाग हल्का कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं परमेश्वर के
कुछ भरने से पहले बहुत से लोगों के दिमाग में जगह ही नहीं है, वो उनकी इच्छा बदलाव के से भरा हुआ है। आप अपने पैसों को छोड़ते हैं और समय को तो आप अपने अंदर जगह खाली करते हैं ताकि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग की आशीष दे सके। इस प्रार्थना को खत्म करने के बाद मैं पवित्र स्थान में प्रवेश करता हूँ और मैं पर्दे खोलता हूँ और पवित्र स्थान में प्रवेश करता हूँ, तो मैं दाईं और सात मोमबत्तियाँ शाखा देखता हूँ। वो मोमबत्ती यानी आग का प्रतीक यानी पवित्र आत्मा सात आत्मा है, बुद्धि समझ ज्ञान परमेश्वर का डर पवित्रता व अन्य चीज़ें। जब मैं इसे देखता हूँ तो मैं पवित्र आत्मा को देखता हूँ। प्यारे पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा मुझे बुद्धि दे, मुझे मदद चाहिए हर दिक्कतों को हल करने के लिए आपकी बुद्धि के द्वारा। ओ पवित्र आत्मा, मुझे ज्ञान दे और मुझे परमेश्वर की बातों को समझने के लिए मदद करें ताकि मैं लोगों को सच्चाई बता सकूं। स्वर्गीय परमेश्वर, मुझे सलाह दें ताकि मैं अपने और अपने लोगों की दिक्कतों का समाधान कर सकूं। ओ परमेश्वर, मुझे ताकत दें, जबरदस्त ताकत दें ताकि मैं बीमारों को चंगा और दुष्ट आत्माओं को निकाल सकूं, और मुझे बाइबल का ज्ञान दें और परमेश्वर का डर दें ताकि मैं अपने आप आपके आगे सिधाई से चल सकूं। इसलिए मैं पाप नहीं करता। ओ परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे डर दे, मुझे अपनी उपस्थिति के द्वारा पवित्रता ही दे। खास तौर पर जब पवित्र आत्मा के पास आते हो तब आप जानोगे वो एक व्यक्ति है, वो बादल बारिश धुआं नहीं, वो तो केवल एक प्रतीक है, वो एक अद्भुत पवित्र व्यक्ति है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। पुराने नियम में पिता ने काम किया, नए नियम में यीशु ने और यीशु के बाद पवित्र आत्मा ने। ये पवित्र आत्मा का समय है, वो आम में विराजता है, वो धरती को कपाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा की समझ बहुत जरूरी है। सन 1964 में जब मेरे पास 3,000 सदस्य थे तब मेरी चर्च की वृद्धि होने का रुक गई थी। तब मैंने हर प्रकार की कोशिश की और चर्च 3,000 पर ही खड़ी रही। इसलिए मैं परमेश्वर के आगे चिल्लाता था, ओ परमेश्वर मेरी मदद कर। मैं सोचता रहता था ये एक परीक्षा है, पर ये नहीं थी। सुबह की प्रार्थना में जब बहुत ठंड पड़ रही थी, जब सब लोग जा चुके थे, मैं चर्च के कोने में था और प्रार्थना कर रहा था, अपना मन खोल रहा था, विनती कर रहा था और मांग रहा था कि मेरे पास और रूहें भेजिए। तब मैं वहीं सो गया, मैं गहरी नींद में था। तब मैंने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की। तब मैंने बहुत सुंदर आवाज़ सुनी परमेश्वर से, क्या तुम अपनी चर्च को बढ़ते हुए देखना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ पिता। तब परमेश्वर ने कहा, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। परमेश्वर ने कहा, जब इसराइली जंगलों से होकर जा रहे थे तो उन्होंने खाली हाथ बटेर पकड़े, तो तुम क्या सोचते हो कि उन्होंने कितने बटेर पकड़े? मैंने कहा, खाली हाथ बटेरों को पकड़ना मैं नहीं मानता कि उन्होंने बहुत से बटेर हवा में पकड़े, पर धूप के कारण उनकी चमड़ी जरूर जल गई होगी। परमेश्वर ने कहा, जब मैंने हवा में उनके लिए बटेर भेजे तो उन्होंने कितने पकड़े? वो बटेर वो धूल की तरह बरस रहे थे, उनके तंबू पर उनके पास तो ढेर लग गया था। तो अब तुम ऐसा ही कर रहे हो क्योंकि तुम अपने बल और समझ से रूहों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और तुम अपने आप को मरने के लिए धक्का दे रहे हो। तुम क्यों ना पवित्र आत्मा पर भरोसा रखो? पवित्र आत्मा हवा यानी पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए खुद रूहों को लेकर आएगी। मैंने कहा, ओ पवित्र आत्मा को तो मैं जानता हूँ, मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरा जन्म लिया, वो मुझ में रहती है। मैंने पवित्र आत्मा का बदसवा महसूस किया है कि मैं तो
गैर भाषा भी बोलता हूँ। हाँ, मैं पवित्र आत्मा के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तब कुछ आवाज आई, यही तुम्हारा बदलाव है। पहले तुम पवित्र आत्मा के साथ नाटक कर रहे थे। यह पवित्र व्यक्ति है, उसके पास इच्छा, ज्ञान व भावना है। तुम्हें अपने आप को उसे सौंप देना चाहिए। वो तुम्हारा मुख्य व केवल पास्टर है। तुम पवित्र आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बहुत डर गया था। तब मैं अपनी नींद में से जाग गया। तब मैंने सीधे जाकर अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोला। तब मैंने बाइबल खोलकर कुरिन्थियों 1:13 पढ़ा, का पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखो की हिस्सेदारी, सहभागी व एक हो जाओ। ओह, मैंने पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति की तरह नहीं समझा, पर नाटक की तरह समझा, जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए मैंने कहा, प्यारे पवित्र आत्मा जी, मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पराए की तरह व्यवहार किया। पर आप मेरे अपने ही, अगर मैं अपनी पत्नी से आपके जैसा व्यवहार करता जैसे मैंने आपसे किया, तो मेरी पत्नी मुझे कब कर छोड़ कर जा चुकी होती। व्यक्ति हमेशा पहचाना जाना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। पवित्र आत्मा व्यक्ति है, उसका आप ही एक की तरह रूप है। इससे पहले कि आप बचाए जाते, इसलिए आपको उसका स्वागत प्यार करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। और एक व्यक्ति होने के नाते, जब मैं ये समझ गया कि पवित्र आत्मा सचमुच व्यक्ति है, तो मैं परमेश्वर के आगे अपने पापों का अंगीकार किया, क्योंकि मैंने उनसे सही व्यवहार नहीं किया। मुझे माफ़ कीजिए। आप में सीनियर पास्टर हैं, आप मेरे सीनियर पास्टर हैं, यानी मुख्य पास्टर, और मैं कुछ भी नहीं। मैं आपकी सहमति के बिना कुछ नहीं हूँ। तब उस समय मैंने कहा, प्यारे पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपकी पूजा करता, आराधना करता हूँ और आपको चाहता हूँ। मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ। तो आओ पवित्र आत्मा, हर रविवार में प्रचार करने से पहले आओ पवित्र आत्मा। तब सब खत्म होने के बाद मैं कहता हूँ, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के लिए। आज भी यहाँ आने से पहले मैं यह कह रहा था, आओ पवित्र आत्मा। अब ये मेरा दूसरा रूप है। पवित्र आत्मा मेरा सीनियर पास्टर है। आप कुत्ते व पक्षी के साथ सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कोई विशेष चरित्र नहीं है। पर पवित्र आत्मा को आप पहचान, पसंद व प्यार कर सकते हैं। मेरी पत्नी एक इंसान है, इसलिए मैं उसे पहचानता हूँ, इसलिए मैं उसे पहचानता हूँ, चाहता हूँ और प्यार करता हूँ, और कुछ अच्छी बातें उसके लिए कहता हूँ। पर कई बार मुझे ठंडा खाना खाना पड़ता है। जब भी मैं सुबह खड़ा होता हूँ, गुड मॉर्निंग डियर होली स्पिरिट, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, आओ साथ चलते हैं, आओ सहभागिता करते हैं। सेवकाई और जो कुछ काम है, आप मुख्य पास्टर हो और मैं सिर्फ सेवक यानी पास्टर हूँ। मैं पवित्र आत्मा का इंतज़ार करता हूँ। इस तरह वो मुझे आनंद देता है। मैं अपनी सबसे अच्छी कोशिश करता हूँ पवित्र आत्मा के साथ चलने की। जब मैं साथ मोमबत्तियों के आगे आता हूँ, तो मैं कहता हूँ, प्यारे पवित्र आत्मा, मैं आपको पहचानता हूँ, पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ। आप मेरे मुख्य पास्टर हो, आओ चलते हैं। आप चलो, मैं आपका पीछा करता हूँ। जब मैं प्रचार करता हूँ, तब मैं परमेश्वर की उपस्थिति और ताकत की दुनिया में पहुँच जाता हूँ। जब तब मेरी चर्च की रुकी हुई चेन टूट गई, तब मेरी चर्च 7,000 से 10,000, तब हमने चर्च बदल कर कहीं और चर्च बनाई। ये सब काम पवित्र आत्मा के हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस देख रहा था, वो पवित्र आत्मा मेरे लिए काम कर रहा था। जब आप वेदी की रोटी को देखते हैं, तो इसका
मतलब परमेश्वर का वचन है। तो मैं कहता हूँ धन्यवाद पिता इस वचन की रोटी के लिए, धन्यवाद हमसे प्यार करने के लिए, धन्यवाद रीमा के लिए, धन्यवाद लोगोस के लिए। लोगोस और रीमा में फ़र्क ये है, लोगोस परमेश्वर के वचन है यानी रिटन वर्ड, और रीमा जो आप कुछ होता है यानी इंस्पायर करता है। जब मैं बाइबल कॉलेज जा रहा था वहाँ मैंने देखा कि एक औरत सुसमाचार में बहुत कामयाब थी। वो पहाड़ के ऊपर तंबू लगाकर सेवकाई करती थी। हज़ारों में जवान वहाँ आते थे और बहुत से लोग उसके पास आगे गिर पड़ते थे। तब वहाँ बारिश हो रही थी, तब नदियाँ जूट से ज़्यादा भर चुकी थी और पानी उनमें से उछलकर बाहर आ रहा था। तब तीन लड़कियाँ पहाड़ पर से उतरकर शहर की तरफ आने लगी। वे नदी के पास आई उसे पार करना चाहती थी क्योंकि नदियाँ उमड़ रही थी। वे सब प्रचार करने में बहुत बड़ी हुई थी। तब वहाँ उन्होंने उस पुल पर बाइबल निकाली और वहाँ से पढ़ने लगी जहाँ पतरस ने यीशु मसीह के साथ काम किया। उन्होंने पढ़ा, देखो पतरस पानी पर चला, क्यों ना हम भी चलें, हमें डरपोक नहीं बनना चाहिए, हमें पानी पर चलना चाहिए और पानी पर चलकर शहर पहुंच जाना चाहिए। तब वे हाथ पकड़कर आगे बढ़ी और वे डूब गए। तब उनकी डेड बॉडी 3 दिन बाद मिली। तब टीवी और अखबार ने इसके बारे में लिखा कि कहाँ है उनका परमेश्वर। उन्होंने बहुत अच्छी तरह विश्वास रखा था, वे अच्छी तरह विश्वास रखती थी और बाइबल पढ़ती थी, तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? परमेश्वर ने उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? उन दिनों में मेरा मन पूरी तरह हिल चुका था क्योंकि उन दिनों में बाइबल के बारे में इतना नहीं जानता था और बहुत से लोग निराश हो गए। चर्च हंसी का पात्र बन गई और उसके बाद मैं लोगोस और रेमा में फ़र्क जान गया। इन लड़कियों ने गलती की। लोगोस में लोगोस परमेश्वर के लिखे हुए शब्द हैं जो कि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रेमा इंस्पायर वर्ड परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर अपने वचनों को लेता है और उनमें जीवन डालता है, तभी उसे अपने आप को आपके मन में डालता है। खास शब्द खास व्यक्ति के लिए खास समय पर। पतरस ने कभी भी पानी पर इससे पहले चलने की कोशिश नहीं की जब तक उसने इसराइलियों को पानी पर चलते पढ़ा और इसराइली लाल समुद्र पर चले तो मुझे भी पानी पर चलना चाहिए। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने रिम्मा के लिए विनती की, यीशु मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे, मुझे पास आने की आज्ञा दे। ये एक खास रेमा है और शब्द है। यीशु ने कहा, आ जाओ। केवल पतरस पानी पर चला, न कि सभी चेले। इसलिए पतरस ने रेमा ग्रहण किया, खास शब्द खास व्यक्ति के लिए। उसने लिखे हुए शब्द को पढ़कर चलने की कोशिश नहीं की बल्कि उसने इसे यीशु मसीह से चुना सुना। इन लड़कियों ने बस लिखे हुए शब्द के द्वारा, ज्ञान के द्वारा चलने की कोशिश की, न कि विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास सुनने से उस सुनना परमेश्वर के वचनों को, उन वचनों को जो रेमा है, न कि लोग उसको। वे केवल ज्ञान से चले और ज्ञान उन्हें न बचा सका। अगर वे रेमा सुनते, परमेश्वर उन्हें सचमुच बचाता। विश्वास सुनने से आता है। मेरा एक चेला है मेरे पास रोते हुए आया और कहा, पास्टर आप यहाँ इस आइलैंड पर बिना पैसे के आए थे और परमेश्वर ने आपको लाखों करोड़ों रुपए दिए इस शानदार चर्च को बनाने के लिए, इसलिए मैं दुविधा में हूँ और मैं आपका अनुसरण करता हूँ, कहें कि आपकी तरह चलता हूँ। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपका यीशु मेरा यीशु। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करके ऐसा काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने बैंक से उधार लिया और चर्च बनाया और आज मैं दिवालिया हो चुका हूँ। परमेश्वर गलत व पक्षपात करता है, वो आपके लिए है पर मेरे लिए नहीं। मैंने कहा, ओ गरीब व्यक्ति, तुमने गलती की। मैं 1969 में येडू आइलैंड से नहीं निकला जब तक मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं आ गया। एक सुबह परमेश्वर ने मुझसे खास तौर पर एक मेरे मन में वचन बोले कि तुम्हारा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है और खड़े हो जाओ, कहीं और जाकर चर्च बना जहाँ 10,000 लोग बैठ सकें, 500 सेवकों को पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए भेज।
मैंने परमेश्वर सुना, यह लिखा हुआ शब्द नहीं है पर मैंने सुना हुआ शब्द है। इसलिए मैंने परमेश्वर विश्वास किया। मैंने इसे बहुत मुसीबतों के बाद पूरा किया। तुमने इसे छोटे विश्वास से किया। तुम बस ज्ञान से चलते ना कि विश्वास से। बहुत से लोग लोगों और रहमा में गलती करते हैं। बहुत जरूरी है परमेश्वर में इंतजार और भरोसा रखना। जब तुम ये करते हो तो पवित्र आत्मा लोगों को छूता है और रहमा में बदलता है। जब से मैंने अखबार चलाना शुरू किया तब से मैंने बहुत डाक पत्र ग्रहण किए जिसमें बहुत मज़ेदार कहानियाँ थीं। कुछ सालों पहले मैंने एक मज़ेदार रिपोर्ट अफ्रीका से ग्रहण की। अफ्रीका में कुछ भाई सोमवार को इकट्ठे हुए। वे बाइबल पढ़ रहे थे। उन्होंने पढ़ा, पत्रस पानी पर चला और उन्होंने प्रार्थना की। और उनके साथ कुछ सेवक भी थे। उन्होंने एक नाव को किराए पर लिया ताकि झील के बीच में जा सकें। दो तीन व्यक्ति कूदे और वे डूब गए। वो हमारे अखबार में हैं। बहुत से रिपोर्टर मुझे देखकर कहने लगे, कैसे हुआ? वे अच्छे सेवक थे, वे प्रार्थना करते थे, वे कूदे और मर गए। परमेश्वर ने उनकी मदद क्यों नहीं की? उसी तरह के हालात हैं। ज्ञान और जीव वचन, लोगोस एंड रेमा, 7,000 वायदे हैं बाइबल में। परमेश्वर ने जो बाइबल में दिए और किए वो सब लिखे हुए हैं और पूरे हुए। जब आप प्रार्थना करते हो तो अपनी ज़िंदगी में समर्पित करते हो परमेश्वर को, तब परमेश्वर का आत्मा उन शब्दों को लेता है, उन्हें जीवित करके आपके मनों को छूता है। कोरिया में एक भाई है जिसके बच्चे को डायबिटीज़ था। उसके बच्चे को जिंदा रहने के लिए बहुत सी मात्रा में इंजेक्शन लेने पड़ते थे। वो मेरे पास प्रचार में आया। मैंने प्रचार किया। उसने स्वर्गीय ज्ञान को ग्रहण किया। वह नया मसीह था। उसने स्वर्गीय चंगाई के बारे में ज्ञान ग्रहण किया। मैं सोच रहा था कि वो घर जाकर प्रार्थना करेगा और पवित्र आत्मा को मांगेगा और उसके साथ चलेगा, पर अपने ज्ञान को विश्वास में बदलेगा, लोगों से रेमा में, और समय लेगा। वो घर जाकर अपने बच्चे से कहने लगा, अब मैं तुम्हें दवाई इंजेक्शन नहीं दूंगा क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। उसने अपने बच्चे को इंजेक्शन नहीं दिया। वो कोमा में आ गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। वे बहुत दुखित हुआ, पर वो अब भी यही कह रहा था, मैं विश्वास करता हूँ। आखिरकार पड़ोसी ने बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचाया। बच्चा मरने से बच गया। वो व्यक्ति मेरे पास आकर रोने लगा, परमेश्वर पक्षपात करता है, वो तुम्हें उत्तर देता है, मुझे नहीं। मैंने कहा, भाई मैं उसे 5 घंटे प्रार्थना करके इंतज़ार करता हूँ हर रोज़ परमेश्वर के आगे, ताकि परमेश्वर उससे रेमा वर्ड दे मुझे। जब परमेश्वर रेमा बोलता है और फिर मैं उसे बोलता हूँ, मैं कभी भी बाइबल को यूं ही खोल कर नहीं पढ़ता, उंगली करके नहीं कहता ये बाइबल में है और उसको खुश व अंगीकार करूँ। ये ऐसे काम नहीं करता। ये लिखे तो गए हैं पर ऐसे इस्तेमाल नहीं हो सकते। आपको परमेश्वर का इंतज़ार करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत से लोग असफलता ग्रहण करते हैं क्योंकि वे लोगों को खाते हैं न कि रेमा को। आओ अपनी वेदी की रोटी पर चलते हैं। जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं कहता हूँ, लोगों के लिए धन्यवाद। बिना लोगों के आपके पास रेमा नहीं होगा। लोगों चावल है और रेमा पके हुए चावल हैं। यही फर्क है चावल और पके हुए चावल में। वो पवित्र आत्मा है जो चावल को पकाता है। धन्यवाद परमेश्वर लोगों के लिए। परंतु मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है लोगों को पकाने के लिए, ताकि मैं पके हुए चावल को खा सकूं। परमेश्वर की महिमा हो। मैं अगली लाइन में आता हूँ। जब मैं वेदी के बीच में आता हूँ तो मैं धूप को देखता हूँ। वो खास धूप है जो परमेश्वर के लिए जलाई जाती है 24 घंटे। वो धूप पवित्र स्थान में को भर देती है। धूप का मतलब तारीफ है। मैं परमेश्वर की तारीफ करता हूँ। मैं कहता हूँ, पिता तू स्वर्गीय है और सर्वव्यापी है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं कभी भी डर को नहीं चुनता। मैं इच्छा से विश्वास को चुनता हूँ, पर बहुत से पाप होते हैं। पर मैं कहता हूँ, तू मेरे साथ है। मैं
तुझ पर विश्वास करना न छोड़ूंगा। मैं कभी भी डर और संदेह को नहीं चुनता। तू सर्वव्यापी है, तू सर्वशक्तिमान है और तू सदा मेरे साथ है। जब मैं अपनी चर्च को दिशा निर्देश दे रहा था तो एक किसान की पत्नी मेरे पास आई और कहती कि मुझे परमेश्वर का पता दो। वो बौद्ध धर्म को मानती थी। जब वो अपने मंदिर में जाती थी तो आगे मूर्ति देखती थी ताकि उसे पता हो। वो कहती है, जब मैं चर्च में आई तो मैंने कहा कि मैंने यीशु को नहीं देखा, मुझे उनका पता चाहिए। मैंने कहा, पता वो एड्रेस नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कहा, आप परमेश्वर के दास हो और आपको परमेश्वर का एड्रेस नहीं पता। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, मुझे एक हफ्ता दीजिए ताकि मैं आपको परमेश्वर का एड्रेस दे सकूं। मैं बहुत चिंता में था कि परमेश्वर आप कहाँ हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर स्वर्ग में है, और स्वर्ग पर स्वर्ग कहाँ है? धरती गोल है, जो लोग धरती के ऊपर हैं, नीचे बाहर दाएं बाएं, उन सबको लगता है कि परमेश्वर इस तरफ है। पिता स्वर्ग कहाँ है? यीशु ने कहा, मुझे अपना पता दे। बस मैं प्रार्थना कर रहा था। एक दिन मैंने यीशु का पता पा लिया। जब मैं बाइबल में यूहन्ना 14:20 पढ़ रहा था तो उन दिनों में तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है और तुम पिता में हो। मैंने कहा, यही है, यही यीशु मसीह का पता है। अगले हफ्ते वो औरत एक कापी के साथ आई ताकि वो पता लिख सके। मैंने कहा, पहले तुम अपना पता लिखो। उसने लिखा। मैंने कहा, यही यीशु मसीह का पता है। वो बहुत नाराज़ होने लगी और कहने लगी कि तुम मजाक कर रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मजाक नहीं कर रहा। तब मैंने बाइबल उठाकर वही यूहन्ना की पत्री पढ़ी। मैंने कहा, परमेश्वर तुम में है, तुम्हारा पता यीशु मसीह का पता है। जब तुम रसोई में होती हो तो वह तुम्हारे साथ होता है। अगर तुम खेत जाओ तो वह तुम्हारे साथ खेत में होगा। तुम ना पहचानो पर यीशु वहाँ है। वो सर्वव्यापी है। उसने कहा, हाँ मैं देख सकती हूँ, यीशु मेरे साथ है। मैंने कहा, हाँ धरती पर और कहीं मत जाओ यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। जैसे वो स्वर्ग में है वैसे ही कोरिया में है। तो मैंने कहा, यीशु मसीह आम मेरे साथ हैं। अंधेरा हो या रोशनी, जिंदगी अच्छी हो या बुरी, आप मेरे साथ सदा हैं। आप मेरी जिंदगी का स्रोत हैं। तब मैं कहता हूँ, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप मेरे आज कल और आने वाले कल जानते हो। मैं आपके हाथों में सब कुछ सौंपता हूँ और मैं चिंता नहीं करूँगा कि मैं आपका पीछा करूँगा। आपने ब्रह्मांड बनाया, पर आप महान परमेश्वर हो और आत्मिक परमेश्वर हो। इस धरती पर शासन करते हो। क्या आप जानते हो, उत्तर कोरिया में बहुत बुरी सरकार है। वे कहते हैं इंसान धरती का सेंटर है, पर इंसानों ने मसीह रचा, मतलब इतिहास रचा। इंसानों के भाग्य को नियंत्रित किया। वे मसीह के विरोधी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर, वे कहते हैं इंसान धरती का सेंटर है, पर मैं कहता हूँ परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। ये लोग कहते हैं इंसानों ने इतिहास रचा, पर मैं कहता हूँ परमेश्वर ने इतिहास बनाया और उन्हें बनाया जिन्होंने इतिहास रचा। और इतिहास केवल लोगों की कहानी है। आप इतिहास रचते हो, आप लोगों पर राज्य करते हो। इसलिए वो आपकी आराधना, मैं आपकी आराधना करता हूँ परमेश्वर। आप उत्तर कोरिया के शासन से बड़े हो। तुम उस व्यक्ति को संभालोगे। हाँ परमेश्वर कर सकता है। अमेरिका को इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब मैं वेदी पर पहुंचता हूँ तो मैं आराधना करता हूँ। वो आराधना की महक परमेश्वर के पास जाती है। तब मैं वेदी के परतों में होकर सीधे परमेश्वर के पास जाता हूँ। वहाँ मैं वाचा का संदूक देखता हूँ। वहाँ मैं उसे सोने की प्रतिमा
परत से ढका देखता हूँ, और वो वह स्थान है जहाँ याजक लोग किसी जानवर का खून लेकर छिड़कते थे और पापों के से मुक्त पाने के लिए कोशिश करते थे। पर अब वो खून यीशु मसीह का है, यीशु मसीह का खून देखता हूँ, ये नए नियम का खून है। तब मैं वहाँ कहता हूँ, दुनिया इन सब पापों से आत्मिक रूप से मुक्त कर दी गई है, आत्मिक धार्मिकता प्रमाणित कर दी गई है। जब हम यीशु मसीह का खून देखते हैं तो इस बात का यह बीमा है कि यीशु मसीह हमारे पापों को उठा चुका है। यीशु ने कहा, सब पूरा हुआ, हर मृत्यु की कीमत चुका दी गई। यीशु मसीह हमारे आजकल और आने वाले कल के पापों को ले चुका है। सब साफ हुआ, यीशु मसीह के खून के द्वारा हम धर्मी हैं। आप कितने धर्मी हैं? आप धर्मी हैं जितना धर्मी हैं परमेश्वर। क्योंकि इंसान कभी भी धर्मी नहीं बन सकता, हम यीशु मसीह के द्वारा हम उसकी धार्मिकता को में बना बन गए हैं। आप यीशु मसीह के धर्मी हैं, इसलिए आप किसी दोष पाप के बिना यीशु मसीह की उपस्थिति महसूस करते हैं। यही ताकत है यीशु मसीह के खून की। खून ही केवल एकमात्र जवाब है, न कि कोई धर्म और अवधारणा, केवल खून। इसलिए पुराने नियम में खून नदी की तरह बहा जानवरों का, ये खून यीशु मसीह को दर्शाता है। जब भी मैं खून को देखता हूँ तो समझ आता हूँ कि पाप का मूल्य चुका दिया जा चुका है। मैं अद्भुत आंसुओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। शैतान हारा हुआ दुश्मन है। मैं जानता हूँ वो शेर की तरह घूमता है, पर वो धोखा दे रहा है। लोग धोखा खा रहे हैं क्योंकि वे सच्चाई को नहीं जानते, और वे सचमुच धोखा खाते हैं और डर जाते हैं और वे उसके दास बन जाते हैं। डर का मतलब है शैतान। यीशु मसीह के खून के द्वारा हम इस पर काबू रखते हैं। जब मैं खून को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ, मैं शैतान के डर से आज़ाद हूँ। देखो, कानून के अनुसार आप अपने काम के द्वारा धर्मी नहीं बन सकते, पर आप कानून के अनुसार सदा दोषी ठहरोगे। यीशु के खून के द्वारा वो कानून तोड़ दिया गया। 10 आज्ञाओं के अनुसार हम अपने चेहरों पर दाग देखते हैं, पर बाइबल के अनुसार हम चेहरे को साफ करते हैं। कानून के अनुसार हम दोषी ठहराए जाते हैं और जेल में डाल दिए जाते हैं, पर यीशु मसीह ने वो कानून तोड़ दिया। 10 आज्ञाएं हमारे लिए शीशा है, जिससे जैसे कि आप औरतों को शीशा लेकर मेकअप करते देखते हैं, अब बाइबल मेरे लिए शीशा है जो मुझे चेहरा देखने के लिए मदद करती है। कि मेरे चेहरे पर दाग यानी मेरी ज़िंदगी में पाप तो नहीं, ये हमें परमेश्वर के आगे सही रूप से खड़ा रखता है। जब मैं खून को देखता हूँ तो मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि मैं कानून से के डर से आज़ाद हूँ। मुझे किसी मनुष्य के काम की जरूरत नहीं उद्धार के लिए, केवल विश्वास। कोई इंसानी उपलब्धि की जरूरत नहीं। जब मैं खून को देखता हूँ तो कहता हूँ, धन्यवाद परमेश्वर, ये आपसे मैंने मुक्ति को ग्रहण किया, ये मेरी आज़ादी है। और पुराने नियम से के और उसके कानूनों से मेरी आज़ादी है, इंसानों के कामों से, शैतान से। और मैं इसे अपनी भाषा में पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ, जैसे इफिसियों 2:8 में मैं कहता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का उपहार है। पूरा विश्वास, पूरी कृपा, परमेश्वर की महिमा हो। तब मैं परमेश्वर के मंदिर में जाता हूँ, द्वार से आखिर तक। मैं हर रोज इस मंदिर की प्रार्थना को करता हूँ। मैं इसे जल्दी 30 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। अगर मैं इसे लंबा करूँ तो 1 घंटा, इससे ज़्यादा 2 या 3 घंटे। इसके बाद मैं अपने सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ। तब मैं लहर वाली प्रार्थना करता हूँ। जब तुम पानी में पत्थर डालते हो तो लहर उठती है। इससे आप अपने आप से प्रार्थना करते हैं। ये उन लोगों तक जाती है जो आपके पास हैं, तब फिर बाकियों के पास। पहले मैं अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वो मुझे
बहुत मदद करती है। बिना उसके मैं अपना चर्च नहीं चला सकता, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा जिए ताकि वो सब कुछ ले सके। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अच्छी सेहत ताकत दे। फिर बच्चे और मेरे माता पिता, फिर मेरे भाई बहन, फिर मेरे बड़े, क्योंकि मेरे पास 1400 बुज़ुर्ग हैं और बहुत लोग, और आप समझ सकते हैं कि हर दिन कितना तनाव होता है। फिर कोरिया, फिर अमेरिका और पूरी दुनिया में मैं मिस्टर बुश के लिए प्रार्थना करता हूँ रोज़, क्योंकि जब कोरिया की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ही ने हमें छुड़ाया था भुखमरी से, गरीबी से। इसलिए 50 साल से ऊपर हम अमेरिका की तारीफ करते हैं, वो बहुत धन्यवाद करते हैं, पर मैं अपने कोरिया के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि उनका दिमाग खाली है और कुछ करने के लिए नहीं। और मुझे दिल में गुस्सा आता है। मैंने लोगों को इकट्ठा करके सिटी प्लाजा गया, मैं बहुत बड़ा संगठन को ओपन किया जिसमें 70,000 से ज़्यादा लोग हैं, और हमने वहाँ अमेरिका और कोरिया के झंडे लहराए। हमने अमेरिका व बुश के लिए प्रार्थना की। मैं सोचता हूँ कि हमारी सरकार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं इसे अपनी ज़िंदगी में जिम्मेवारी लेता हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी अमेरिका के लिए प्रार्थना करूँगा और अपने दोस्त जो हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, मैं हर दिन ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ। मैं संतुष्टि महसूस करता हूँ, मैं विश्वास को बढ़ाता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे। थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद ये मत कहिए मैंने बहुत देर प्रार्थना की है। तब घटी को देखकर कहें सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना हो परमेश्वर, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करेंगे तो आप आधे घंटे से ज़्यादा करेंगे, तब आप बहुत सामर्थ्य ग्रहण करेंगे, तब 1 घंटा करेंगे। मैंने अपने चर्च के लोगों से अक्सर कहता हूँ केवल 1 घंटा जरूर प्रार्थना करें। सेवकों को 3 घंटे प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यीशु ने चेलों से कहा कि तुम 1 घंटा प्रार्थना न कर सके। यीशु ने 3 पहर प्रार्थना की। मैं अपने चेलों को 3 घंटे प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ तो बहुत सामर्थ्य बहेगी। हे मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को गंभीर लो। धन्यवाद।